ये पोएम हॉर्नबिल से ले गई है, क्लास 11 से। इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। देर आर टू वॉइसेज इन द पोएम, दे बिलोंग टू द पोएम एज वेल एज द रेन। इस पोएम में हम दो वॉइस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में है पोएट के बारे में और रेन के बारे में। देर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड द वॉइस। इसमें हम एक पैरेलल रिलेशन देखेंगे रेन और म्यूजिक के बीच में। द वर्ड्स ऑफ फॉलिंग फ्लावर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफुल। इसमें ये बात करते हैं कि जो रेन और म्यूजिक के बीच का रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। रैक्ट और अनरैक्ट एंड विद लव रिटर्न्स, बहुत प्यार के थ्रू। देर आर सिमिलर टू ईच अदर, वो सिमिलर हैं एक दूसरे से। दे रिटर्न बैक टू देयर बर्थ प्लेसेस वेदर हर्ड और नॉट, वो अपने बर्थ प्लेस पे वापस आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं वेदर हर्ड और नॉट, बिना सुने और समझे। द रेन टेक बर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड द बॉटमलेस सी, जो रेन है वो जन्म लेती है अर्थ के, अर्थ से और जो समुद्र होते हैं उनके बीच से। इन समर फ्रॉम सी राइजेज अप इन द हेवन टेक्स द शेप ऑफ क्लाउड्स, आफ्टरवर्ड्स द रेन ऑफ द शावर फॉल्स ऑन द अर्थ। गर्मियों के मौसम में सीज से, जो समुद्र होते हैं उनसे, जो बारिश होती है वो अपना जन्म लेती है और वो क्लाउड्स की शेप में जाती है और फिर जो है बारिश की बूंदें हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं। द प्रोसेस कैन बी कंपेयर टू द साइंस ऑल्सो, इसी प्रोसेस को हम साइंस से भी कंपेयर करते हैं। साइंस सेज द वाटर फ्रॉम रिवर्स सीज पॉन्ड्स गेट इवेपोरेटेड एंड राइजेस अप टू एयर, इट इज लाइट। साइंस कहती है कि जो वाटर रिवर्स सीज पॉन्ड्स से इवेपोरेट होता है और वो ऊपर जाके क्लाउड्स में फॉर्म हो जाता है, दिस प्रोसेस ब्रिंग्स रेन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और यही प्रोसेस जो है अर्थ के सतह पे बारिश लाता है। इस पोएम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। फॉलो करो TLI क्लासेस को।